हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूटकेस का कवर बिना सिलाई मशीन के 2 मिनट में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक पुरानी टी शर्ट आपने ले लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे ये पुरानी टी शर्ट इस तरीके की जो बड़े साइज़ की होती है टी शर्ट, या फिर आपकी जो सूटकेस में फिट आ जाए उस साइज़ की आपको कोई भी टी शर्ट ले लेनी है। सो मेरे पास भी एक टी शर्ट टाइप का, ये देखिए, ये गाउन था मेरे पास जो नाइटी होती है शॉर्ट वाली। सो इसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। आप टी शर्ट का, किसी भी टी शर्ट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस आपके सूटकेस में इसको फिट आ जानी चाहिए। बस पहना के आप देख ले पहले इसको, कटिंग करने से पहले। सो देखिए, यहाँ पे इसको मैंने पहना दिया और ये परफेक्टली साइज़ में आ गई थी इसमें। तो बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आपका सूटकेस का कवर रेडी हो जाएगा। और वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। तो देखिए, मैंने पहना दिया है और जो ऊपर का पोर्शन है टी शर्ट में, एक्चुअली ऊपर का पोर्शन रहेगा नहीं, बट ये गाउन थोड़ा लंबा था इसलिए ऊपर का पोर्शन बचा हुआ है इसमें। सो इसको मैं यहाँ कट नहीं करने वाली हूँ। अगर आपका टी शर्ट का पोर्शन एक्स्ट्रा ज़्यादा है, उसको आप कट ना करें, उसको इस तरीके से सिंपल फोल्ड कर लें इस तरीके से अंदर की तरफ, और इसको डबल फोल्ड करके आप सेट कर लें। देखिए कैसे मैंने बैठा दिया इसको, और यहाँ से आप स्टिच कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके के सूटकेस के कवर अगर आप बना के रखते हैं, तो आपके घर पे सूटकेस बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। जब हम कहीं जाते हैं सूटकेस निकालते हैं ले जाने के लिए, तब इतने सारे धूल मिट्टी उसमें बैठी रहती है, तो हमारा मन भी नहीं करता है, इतने गंदे हो जाते हैं सूटकेस, फिर हमें उसमें क्लीन करने में इतनी मेहनत लगती है। और अगर आप टी शर्ट से नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर, इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। अगर आप सिलाई मशीन से कवर सिलना चाहते हैं नीचे से भी पैक करके, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।